नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल टेक फिट अध्ययन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज है 19 जून और 19 जून के लिए करेंट अफेयर्स से जो भी सवाल बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, भारतीय एयरटेल के सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए जितेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी दयाराम शाहनी, ऑप्शन सी अजय पुरी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट करें, समय समाप्त। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अजय पुरी। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर दो, लॉन्च पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भरत सुंदरसन, ऑप्शन बी जयदीप नायर, ऑप्शन सी लालजी टंडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भरत सुंदरसन। यह पुस्तक भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना की आत्मकथा पर निर्धारित है, जिसमें उन्होंने भारत में अपनी यात्रा सहित सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द बिलीव का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर तीन, दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इजराइल। कोरोना काल के तहत इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना। 15 जून 2021 से इजराइल में मास्क लगाने का नियम खत्म कर दिया जाएगा। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं और यहाँ की राजधानी यरूशलेम है और यहाँ की मुद्रा इजरायली शेकेल है। क्वेश्चन नंबर चार, किस राज्य में युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। इस अभियान के अंतर्गत कॉलेज के शिक्षक और लगभग 16 लाख छात्रों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक कर उन्हें कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की शिक्षा दी जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ की सीमाएं 5 राज्यों से लगती हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। यहाँ पर कुल 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा की 230 सीटें हैं। यहाँ के नेशनल पार्क हैं कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और फॉसिल नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर पाँच, किस IIT संस्थान द्वारा विकसित विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट ने NSG पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए IIT रुड़की, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रुड़की। प्रोफेसर शैलेश गोविंद गढ़पुले के द्वारा विकसित विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट भारतीय जवानों को युद्ध एवं लड़ाई के समय सुरक्षा प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर छः, गुड एयर इंडिया कंपनी के MD पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए
तरुण माथुर, ऑप्शन बी गगन चौहान, ऑप्शन सी संदीप महाजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। अगर आंसर पता हो तो कमेंट करें। समय समाप्त और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संदीप महाजन। गुड एयर कंपनी की स्थापना वर्ष 1898 में हुई थी और इसका मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 7, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कोविड राहत घर घर राशन पहल शुरू की? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी IDFC फर्स्ट बैंक। इस योजना के तहत बैंक के गरीब खाता धारकों को 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो चीनी, नमक और 1 किलो सरसों का तेल, 5 पैकेट मसाले, चाय और बिस्कुट राहत किट के तहत दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल लॉन्च की? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी गूगल। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फेसबुक। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने हेतु रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पॉल लॉन्च की। क्वेश्चन नंबर 9, WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए घनश्याम देसाई, ऑप्शन बी मुकेश शर्मा, ऑप्शन सी फारूक खान, ऑप्शन डी जगजीत सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुकेश शर्मा। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, किस बैंक ने ओरेकल 6X कार्यान्वयन के लिए इंफोसिस को सूचीबद्ध किया? ऑप्शन ए SBI बैंक, ऑप्शन बी PNB बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी फेडरल बैंक। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के MD और CEO श्याम श्रीनिवासन है और इसका मुख्यालय अलुवा में है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।